तारीफ के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन एक तरीका कमाल है कि हम 40 साल से काम कर रहे हैं और आप 40 दिनों में हमारे बराबर खड़े हुए हैं। एम के सिराजी मारिया, कमाल किया है आप लोगों ने, कमाल किया है माशाल्लाह। और जबकि आपके पास वक्त कम, सुबह आपको जॉब पे जाना, इसके बाद आपको दूसरी अपनी घरेलू मसरूफियात, फिर उस मुल्क में जहाँ पर टाइम की वैल्यू है वहाँ पर परफॉर्म करना और एक रात में इस तरह का काम कर लेना, टेक्निकल बातें, लेकिन इतना अच्छा करना। सिराजी शहजादा जिन्होंने लड़के का रोल किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म की डांस के दरमियान में, और आपका प्रोमा तो कमाल है कि पीछे जो परफॉर्म कर रहे थे तो लग रहा था कि ये सऊदीया में ही हैं या अल्लाह खैर करे मतलब अरबी हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो मारिया, तुम्हें बहुत मुबारक हो। और आप पर गेटअप में कब होता तो वो आपके क्लोज लेते, क्योंकि आपकी आवाज़ में वेरिएशन में तो बहुत ही अच्छा है जब आप अपने बेटे से मुखातिब होती हो। अब यंग लड़की के मुंह से बेटा लफ्ज़ निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है, बेटा बोलना ही बड़ा मुश्किल होता है, यंग लड़की बेटा बोल ही नहीं पाती। और आपके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप तरक्की तो कर चुके हैं, अब उसकी बुलंदियों को छूना थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो पूरी कास्ट के लिए मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा अरशद चौधरी साहब क्या खूबसूरत आवाज़ के साथ उन्होंने पैगाम दिया है मारिया आपको, सिराजी आपको, बाबा अरशद चौधरी साहब आपको, आप लोगों ने जिस तरह मेहनत से काम किया है और एक रात में इतना खूबसूरत अंदाज में आपने इस प्रोग्राम को पेश किया, तो यहाँ कहने को दिल चाहता है कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह आप काम करते रहेंगे और खुदा ताला आपको आपको हमेशा कामयाबी देगा। आमीन सुम्मा आमीन। लड़के का करेक्टर है, बहुत अच्छा किया उसने, कहीं कहीं उसने अप एंड डाउन इतनी अच्छी की जहां वो कहता है माँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन नो डाउट कि उसने बड़ी अच्छी परफॉर्म की है। और जब पहले वाले सीन जो था जिसमें वो माँ से कहता है कि अपने बाबा से जाकर कहना और वो गिरता है, तो शायद वो मनाते रहते थे कि जैसे अभी उसका डेथ हो गया है, तो वो मतलब इस्तराबी में कहे और वो बस। और इसके बाद ये है कि माँ जब वापस आती है तो बड़ी बोझल बोझल कदमों से आए और माँ की वो आवाज़ के बाबा ने मना कर दिया, और उसके चेहरे के उस वक्त तासुरात लेते आपके उसके दिल पर क्या बीतती है, तब वो कहता है हाँ मैं गुनाहगार हूँ, मेरे पाँव में रस्सी बांध कर ये कर देना। और ये है, ये बात सबको इल्म है, और ये आपका जो स्किट्स जो आपने बनाया वो बहुत सारे लोगों को पता है कि इस तरह एक लड़का था लेकिन मेरे रब ने माफ़ कर दिया। लेकिन बहुत मुबारक हो आरिफ साहब आपको, राइटर खादिम साहब को, और तमाम तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट्स किया, टेक्नीशियंस, स्टाफ, क्रू, जितने भी लोग थे। और इस्पेशली अल्लाह ताला इसी तरह आपको मौका देता रहे कि आप ये दीन की चीज़ें पेश करते रहे।